हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने जो है सजातीय श्रेणी खत्म कर ली थी, असंतृप्तता की कोटि खत्म कर ली। ठीक है, हम लोगों ने क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो सीख लिया था, सिग्मा बंद पाई बंद कैसे काउंट करते हैं वो हमें पता चल गया था। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है IUPAC नामकरण, ठीक है, मैंने उसी में बहुत सारी चीज़ें आपको ले ली थी जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिनकी हमें आगे चल के रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल IUPAC नामकरण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पूरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो IUPAC के बारे में ही चर्चा करेंगे अपन। अब IUPAC नामकरण, अब हम लोग क्या है इस लेवल पे पहुंच गए हैं बेटा कि हम लोग यौगिकों को लिख सकते हैं। ठीक है, यौगिकों को लिखना हम लोगों को आ गया, अब उसका नाम सीखेंगे कि उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो IUPAC नामकरण सब लोग हेडिंग लगा लो। ठीक है, अलग अलग नाम से आते हैं हिंदी में इसको, कुछ लोग अलग नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, अपन सिंपल भाषा में पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। ठीक है, तो IUPAC नामकरण सीखने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, तो IUPAC बेटा एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म में आपके पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है बेटा। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सारा का सारा IUPAC नामकरण। ठीक है, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में नाम रखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वहाँ हिंदी तो बोलते नहीं है जो हिंदी में नाम रखेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा कुछ भी रख सकते हो, लेकिन नाम इंग्लिश में ही है। IUPAC सीखने के लिए बेटा IUPAC के नाम को 5 भागों में बांटा गया है। IUPAC के नाम को 5 भागों में बांटा गया है, उन 5 भागों को अगर अपन लिखना सीख गए तो अपन IUPAC नाम लिखना सीख जाएंगे किसी भी क्रियात्मक समूह के लिए, किसी भी यौगिक के लिए। ठीक है ना, तो IUPAC नामकरण को 5 भागों में बांटा गया, वो 5 भाग कौन से हैं, हर एक भाग को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। आप लोग इसको देखते रहो पूरा यहाँ तक। सबसे पहला भाग है बेटा 2-डिग्री प्रीफिक्स, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ फिर हिंदी में बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद 1-डिग्री प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आता है आपका 1-डिग्री सफिक्स, और फिर आपका आएगा बेटा 2-डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो 2-डिग्री प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा 2-डिग्री पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न, ऐसा आइटम जो पहले लगने वाला है। ठीक है, 2-डिग्री पूर्व लग्न, इसको बोलते हैं 1-डिग्री पूर्व लग्न, इसको बोलते हैं बेटा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, इसको बोलते हैं बेटा 1-डिग्री अनुलग्न, जो बाद में लगेगा। ठीक है, अनुलग्न, इसको बोलते हैं 2-डिग्री अनुलग्न। ठीक है, कुछ लोग इसको दूसरे नामों से भी बोल देते हैं, प्रीफिक्स को कुछ लोग उपसर्ग बोल देते हैं और सफिक्स को कुछ लोग प्रत्यय बोल देते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय भी बोल सकते हो आप, 2-डिग्री उपसर्ग, 2-डिग्री प्रत्यय, ऐसा करके भी बोल सकते हो। हर एक भाग का एक सुनिश्चित योगदान है IUPAC नामकरण में। ठीक है, मतलब एक 2-डिग्री प्रीफिक्स का अपना खुद का एक रोल है, उसकी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, 1-डिग्री प्रीफिक्स की खुद की एक इंपॉर्टेंस है, वर्ड रूट की खुद की एक इंपॉर्टेंस है, इसी तरह से 1-डिग्री और 2-डिग्री की इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले 2-डिग्री प्रीफिक्स हमें क्या बताता है IUPAC नामकरण में, 2-डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है बेटा प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का नाम, अभी बताऊंगा मैं प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रतिस्थापी का नाम और उसकी स्थिति, और उसकी स्थिति, ये हमें कौन बताता है बेटा, 2-डिग्री प्रीफिक्स। 1-डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है हमें, मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसको मैं PCC से लिखूंगा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखने में, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं पेरेंट कार्बन चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रमुख कार्बन श्रृंखला, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, शॉर्ट में उसको लिखूंगा PCC। तो ये बताता है बेटा PCC की प्रकृति, PCC की प्रकृति बताता है। PCC की प्रकृति का मतलब क्या है कि यौगिक जो है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, वह चक्रीय है या खुली श्रृंखला है, वो किससे पता चलता है हमको, 1-डिग्री प्रीफिक्स से पता चलता है। अगर नाम लिखा हुआ है, अगर उसमें 1-डिग्री प्रीफिक्स आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यौगिक जो है वो खुली श्रृंखला वाला है या चक्रीय श्रृंखला वाला है। फिर वर्ड रूट क्या बताता है बेटा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला जो हमारी PCC है उसमें कितने कार्बन की संख्या है, PCC में
कार्बन की संख्या, ये कौन बताता है बेटा हमको? पीसीसी में कार्बन की संख्या हमें बताता है रूट शब्द यानी कि वर्ड रूट। फिर वन डिग्री सफिक्स क्या बताता है बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है वो संतृप्त या असंतृप्त, मैंने आपको संतृप्त और असंतृप्त बता दिया, संतृप्त असंतृप्त क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में द्विबंध त्रिबंध आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो कौन बताता है? हमें वन डिग्री सफिक्स बताता है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला को किससे लिखते हैं? पीसीसी से। तो पीसीसी संतृप्त है यह असंतृप्त, यह हमें किस बात से पता चलता है? यह हमें पता चलता है बेटा आपके वन डिग्री सफिक्स से। और टू डिग्री सफिक्स हम बहुत बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टू डिग्री सफिक्स बताता है बेटा कि यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अगर यौगिक में क्रियात्मक समूह होगा तो ये पिक्चर में आएगा, अगर क्रियात्मक समूह नहीं होगा तो ये पिक्चर में नहीं आएगा। तो कुल मिला के किसी भी आईयूपीएसी नाम को इन पांच भागों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ आ भी सकते हैं और कुछ नहीं भी आ सकते, और कुछ का आना तो बिल्कुल निश्चित है। जैसे यहाँ पर टू डिग्री प्रीफिक्स, अगर मान लो यौगिक में प्रतिस्थापित नहीं हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापित क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कुछ होता है, प्रतिस्थापित अगर यौगिक में नहीं हुआ ठीक है तो टू डिग्री प्रीफिक्स पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। वन डिग्री प्रीफिक्स भी एक कंडीशन में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद रूट शब्द, ये हमेशा आएगा क्योंकि कार्बन की संख्या कुछ ना कुछ तो होगी, कम से कम एक तो होगी होगी, ठीक है। वन डिग्री सफिक्स ये हमेशा आएगा, ठीक है, ये हमेशा आएगा। टू डिग्री सफिक्स अगर क्रियात्मक समूह होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा आप ये नोट डाउन करो, फिर मैं आपको टू डिग्री प्रीफिक्स बताऊंगा, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, एक एक करके इनको चौड़े में सीखेंगे, फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे एलकेन के आईयूपीएसी में। यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग टू डिग्री प्रीफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो अपने को जगह चाहिए इसलिए मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, जैसे हम लोग किसी भी, मान लो कोई आदमी है उसका पता लगाना है कि वो कहाँ है, ठीक है, तो होता है ना कि उसका पहले तो सबसे पहले देश पता करेंगे, फिर उसका जो है सिटी पता करेंगे, मतलब उसका स्टेट पता करेंगे, फिर उसकी सिटी पता करेंगे, फिर उसका मोहल्ला पता करेंगे, फिर आधार कार्ड से उसका नाम वाम चेक करके उस आदमी तक पहुँच जाएंगे। बस उसी तरह से आईयूपीएसी ने नियम दे दिया, उसी प्रकार से हमको उसको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा टू डिग्री प्रीफिक्स की, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग टू डिग्री प्रीफिक्स, और टू डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या है, मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, आईयूपीएसी जो है हम उसमें मैक्सिमम इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हिंदी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम आता है और अल्फाबेट तो इंग्लिश में होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, आ नहीं होते अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, तो उसका इस्तेमाल होता है इसमें बेहतरीन रूप से, इसलिए अपन इंग्लिश में लिखेंगे। फिर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे उसको हम हिंदी में प्रोनाउंस कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, अपन हिंदी में आंसर टिक कर देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में, जिससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो। टू डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, टू डिग्री प्रीफिक्स क्या बता रहा था अपने को? प्रतिस्थापी का नाम और उसकी स्थिति बता रहा था। तो अपन वापस से नहीं लिखेंगे कि प्रतिस्थापी का नाम और उसकी स्थिति बताता है, अपन सीधे देखते हैं कि प्रतिस्थापी कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो बेटा प्रतिस्थापी वो होते हैं जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं है, कोई शाखा है, जैसे एक पेड़ है उसकी काफी सारी शाखाएं होती है, वो शाखाएं क्या है? प्रतिस्थापी। मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई शाखाएं क्या कहलाती है? प्रतिस्थापी। अब वो प्रतिस्थापी किस टाइप के हो सकते हैं बेटा? सबसे पहला प्रतिस्थापी हो सकता है हमारे लिए R, और R को क्या बोलते थे बेटा हम? अल्काइल या एल्किल, हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्किल। अब ये R क्या हो सकता है बेटा? अगर एक कार्बन का R है तो उसका नाम हो जाएगा मेथिल, ठीक है, इंग्लिश में इसको मिथाइल बोलते हैं, हिंदी में हम इसको मेथिल बोल देते हैं। फिर अगर मान लो दो कार्बन का है तो क्या हो जाएगा नाम? एथिल। तीन कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिल। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। मान लो ये समूह लगा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का समूह लगा हुआ है, बेंजीन थी उससे मैंने ये संयोजकता को मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन हटा के, यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, इससे पूरी की पूरी मुख्य कार्बन श्रृंखला जुड़ी होगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल, ठीक है। इन्हीं चीजों को शॉर्ट में भी लिखा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, वो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मिथाइल लिखा हुआ है, इसके आगे के दो शब्द चुरा लेते हैं और एम ई लिख देते हैं, जैसे कई कई बार सी एस थ्री नहीं लिखेगा आपको, कहीं कहीं पे आपको एम ई दिखने लग जाएगा, सी एस टू सी एस थ्री की जगह क्या दिखेगा बेटा? ई टी दिखेगा आपको, ठीक है। प्रोपाइल की जगह क्या दिखेगा बेटा? पी आर दिखने लग जाएगा आपको। फिनाइल की जगह क्या क्या दिख सकता है बेटा? पी एच दिख सकता है, या फिर इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, किससे? फाई से,
पीएच भी लिख सकते हैं बेटा और फाई भी लिख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये समूह ना लगे हो और ये लिखे हो तो उसका मतलब भी यही है, बात समझ में। तो सबसे पहला प्रतिस्थापी हमारा कौन सा था, एल्किल प्रतिस्थापी। दूसरा प्रतिस्थापी कौन सा बेटा, देखो सेकंड प्रतिस्थापी हमारा ओ आर। अब इस आर के आगे क्या लग गया बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या था, एल्किल, और इसके आगे ऑक्सीजन लग गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल्क ऑक्सी। क्या नाम पड़ गया, एल्क ऑक्सी। अगर वही एक कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी। अगर मान लो यहां पे दो कार्बन का है तो मैं यहां ईटी लिख दूं, क्योंकि अभी मैंने बताया था CH2 CH3 को ईटी लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथॉक्सी। बात समझ में आ रही है आपको। अगर मान लो यहां पे पीएच लिख दिया मैंने या फाई लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। आओ कुछ और प्रतिस्थापी देखते बेटा, इधर देखो। तीसरे टाइप का जो प्रतिस्थापी हमारा वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक्स, ठीक है। मैंने आपको एक्स कहाँ पे पढ़ाया था, कोटी में, ठीक है, हेलोजन की कोटी, याद करो। तो इस एक्स को बेटा प्रतिस्थापी की तरह जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हेलो, ठीक है। जैसे आर के लिए क्या लिख रहे थे, एल्किल, ओ आर के लिए एल्कोक्सी, एक्स के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हेलो। अगर मान लो ये फ्लोरिन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्लोरिन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और अगर आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडो। सिंपल है, आयोडीन है तो आयोडो। और भी कुछ लो, और भी कुछ अलग प्रतिस्थापी होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं के, ठीक है ना। तीन और प्रतिस्थापी बता देता हूँ मैं आपको जो जनरली यूज होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चौथे नंबर का। जैसे NO2 बहुत फेमस है, जहाँ NO2 लगाओ वो भी प्रतिस्थापी होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं NO2 और N डबल बॉन्ड O में। ये बेटा दो ऑक्सीजन लगे हों तो नाइट्रो है, अगर एक ऑक्सीजन लगा है तो बेटा क्या होगा, नाइट्रोसो। क्या होगा, नाइट्रोसो। सर हिंदी में क्यों नहीं बता रहे, अबे तुमसे बोल तो रहा हूँ हिंदी में नहीं बताऊंगा, ये IUPAC जो है वो हम लोग हिंदी में बोलेंगे, मैं आपको बहुत सारी लैंग्वेज हिंदी में ही लिखाऊंगा, लेकिन जब IUPAC नामकरण लिखेंगे तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसको भले आप हिंदी वाला टिक कर देना देख के, क्योंकि गलती हो जाएगी अगर हिंदी में लिखा तो। अभी मैं बता दूं आपको, कहीं कहीं पे आ ई में गलती हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आ ई में पता ही नहीं चलेगा अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम चलता है भाई, अंग्रेजों ने दिया है तो अंग्रेजों के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। छठे नंबर का जो हमारे पास है वो है हमारे पास N3, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अजाइडो। सर ये कैसे याद होगा, अब भैया प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएगी, मतलब ये तो लल्लू लल्लू है एकदम, ठीक है। ये आपको एकदम लल्लू लगने लग जाएगी थोड़े दिन में, ठीक है ना, एकदम सिंपल सिंपल इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सब चीज़ें आपको वैसे याद हो जाएगी, कोई रटना नहीं है, कोई ऐसे बिल्कुल आपको उसमें मगअप नहीं करना है, ठीक है ना। एल्किल हो गया, एल्कोक्सी हो गया, हेलो हो गया, नाइट्रो, नाइट्रोसो और अजाइडो, ये कुल मिला के 6 प्रतिस्थापी जनरली हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे चल के हम और प्रतिस्थापी को दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल में ये अपने काम के हैं, ठीक है ना। तो ये 2° प्रीफिक्स की चर्चा थी बेटा, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से शाखाएं जुड़ी हुई थी उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं, उसका नाम कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बेटा, यहाँ आप इसको क्या है बेटा, आप इसको पोस्ट करके नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। समय की गहरी कमी के चलते हुए आप इसको आराम से पोस्ट करके नोट डाउन करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, 1° प्रीफिक्स। तो आओ 1° प्रीफिक्स की चर्चा करेंगे। 1° प्रीफिक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया बेटा, अभी 1° प्रीफिक्स क्या बताता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति बताता है। क्या बताता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति बताता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला खुली श्रृंखला है या मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय श्रृंखला है, ये किससे पता चलेगा हमको बेटा, ये हमें पता चलेगा आपके 1° प्रीफिक्स से। अभी देख लेते हैं बेटा 1° प्रीफिक्स कैसे बताता है। सबसे पहले देखो, अगर मान लो जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो खुली श्रृंखला है, यानी कि अचक्रिय है, कैसी है बेटा, अचक्रिय। तो खुली श्रृंखला के केस में हम कोई भी 1° प्रीफिक्स नहीं लगाते, आपको 1° प्रीफिक्स लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको 1° पूर्व लग्न लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको 1° उपसर्ग लिखना ही नहीं पड़ेगा, बात समझ में आई, ठीक है। अगर मान लो यौगिक हमारा चक्रीय है, कैसा है, चक्रीय, यानी कि कैसा है, इंग्लिश में बोले तो साइक्लिक, ठीक है। तो हम ये वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा, साइक्लो,
क्या यूज करेंगे, साइक्लो, वन डिग्री प्रीफिक्स के लिए, ठीक है। अगर मान लो हमारा यौगिक जो है वो बाईसाइक्लिक है, आगे चल के हम एंड में जब आईयूपीएसी खत्म कर रहे होंगे तब हम बाईसाइक्लिक यौगिक पढ़ेंगे। बाईसाइक्लिक यौगिक के लिए जो है वन डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। फिर आता है बेटा स्पायरेन, स्पायरेन के लिए, स्पायरेन भी एक तरह के यौगिक होते हैं, वो भी हम लोग सबसे एंड में पढ़ेंगे, और उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, स्पायरो। बस इतनी सी बात है वन डिग्री प्रीफिक्स में। मैंने आपको पांच भागों में जो आईयूपीएसी नाम बांटा था, मैंने सबसे कॉर्नर में क्या लिखा था, टू डिग्री प्रीफिक्स, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर वन डिग्री सफिक्स, फिर टू डिग्री सफिक्स। आपको उसी ऑर्डर में आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यौगिक में टू डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर आपका वन डिग्री सफिक्स, फिर आपका टू डिग्री सफिक्स, और ये सब मिला के लिखा जाता है। कहीं पे भी पेन उठाना नहीं है अपने को, बात समझ में आई, कहीं पे भी पेन नहीं उठाना, पूरा नाम एक साथ लिखना है, बात समझ में आ रही है क्या। तो सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, अगर ये आइटम है तो लिखेंगे, अगर खुली श्रृंखला है तो नहीं लिखेंगे, बात समझ में। ये वन डिग्री प्रीफिक्स खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। वर्ड रूट क्या है, बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी इज सबसे लल्लू टॉपिक, ठीक है ना, बहुत ही लल्लू है, लेकिन अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं करे तो ये आपको चार के बजाय माइनस एक देने में बिल्कुल भी, मतलब इसको शर्म नहीं आएगी टॉपिक को, ठीक है ना, एकदम बेशरम टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक करी तो आप निपट जाओगे, ठीक है। तो वर्ड रूट की बात करें, रूट शब्द की, रूट शब्द का मतलब क्या था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन मौजूद हैं, वो किससे पता चलेगा, हमें रूट शब्द से पता चलेगा, वर्ड रूट से। अगर मान लो मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, मैथ। ये सब आप दसवीं कक्षा में भी पढ़ रखे हो, ठीक है ना। C1 क्या है, मैथ। अगर दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, एथ। तीन कार्बन है तो क्या लिखते हैं बेटा, प्रॉप, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को पता आजकल ये, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो, हाँ सात कार्बन है तो हेप्ट या सेप्ट, हेप्ट। अबे सितंबर अक्टूबर नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अलग चीज चल रही है, सितंबर अक्टूबर नहीं चल रहा। आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन या डेक, नॉन। दस कार्बन है तो डेक, ग्यारह कार्बन है तो अंडेक, 12 कार्बन है तो डूडेक, ठीक है। इस तरह से फिर 13-14 ऐसे चलते आएंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे चलता जाएगा, फिर हमें आगे चल के मतलब है किससे, हमारे C20 से, ठीक है। C20 का मतलब कितना, आईकॉस, C30 होगा तो ट्राईकॉस, ऐसा चलता जाएगा। फिर एंड में अगर 100 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं हेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा, हेक्ट। तो हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना एग्जामिनर को अगर आपसे पूछना है तो कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछेगा, कोई सो लगाने से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो एक कार्बन मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अंडेक, डूटेक, यहाँ तक ही मेजरली आपसे पूछा जाता है ना, इसी में खेल कर देगा वो करना होगा। तो ये क्या बेटा, आपका रूट शब्द। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे वन डिग्री सफिक्स और टू डिग्री सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप ये नोट डाउन करो, चलो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हमारे लिए जो है बेटा वो क्या है, हम लोगों ने ये वर्ड रूट पढ़ लिया, अब हम लोग वन डिग्री सफिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन डिग्री सफिक्स क्या होगा बेटा, वन डिग्री सफिक्स के बारे में अभी अपन ने बताया था कि वन डिग्री सफिक्स क्या बताता है हमें, वन डिग्री सफिक्स बताता है कि यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त किसकी, संतृप्तता, संतृप्तता किसकी वजह से आती है, द्विबंध या त्रिबंध की वजह से, ठीक है। अगर यौगिक संतृप्त है आपका, कैसा है बेटा, यौगिक अगर आपका संतृप्त है ना, यानी कि उसमें सारे के सारे कैसे आ रहे, सिग्मा बंध। इवन यहाँ पर चक्रीय यौगिकों को भी संतृप्त ही माना गया है, चक्रीय एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, चक्रीय एल्केन, जिसमें सिग्मा ही सिग्मा बंध आएंगे। तो उन सारे केसेस में संतृप्त यौगिक के लिए जो वन डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, एन।
क्या लिखा जाता है बेटा, एन। अब असंतृप्त यौगिक के बारे में बात करें तो अगर असंतृप्तता द्विबंध की वजह से आती है तो उसके लिए लिखेंगे बेटा हम लोग इन, क्या लिखेंगे इन। अगर असंतृप्तता ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यानी कि त्रिबंध की वजह से आती है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा आइन, ठीक है, क्या लिखेंगे आइन। अगर मान लो दो द्विबंध हो तो उस केस में क्या लिखेंगे बेटा, डाई लगा देंगे आगे, डाई इन। अगर मान लो दो त्रिबंध हो तो क्या लिखेंगे, डाई आइन। हम मुद्दा क्या है बेटा, अगर एक द्विबंध हो और एक त्रिबंध हो तब क्या लिखेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि आप गड़बड़ ना करो, इसलिए मैं इंग्लिश में ले रहा हूं सारा का सारा खेल। आईयूपीएससी क्या बोलता है, आईयूपीएससी बोलता है कि अल्फाबेटिकल क्रम इस्तेमाल करो। क्या करो, अल्फाबेटिकल क्रम। इन पहले आता है कि आइन, अल्फाबेट में ई पहले आएगा क्या, वाई, ई पहले आएगा तो मैंने लिखा इन, फिर क्या आएगा बेटा आपका आइन, है ना। इन किसकी वजह से आया, द्विबंध की वजह से। आइन किसकी वजह से आया, त्रिबंध की वजह से, ठीक है। पहली बात, ई क्यों, हमने द्विबंध को पहले लिखा इसलिए इन, मतलब यहां द्विबंध को पहले लिखा इसलिए इन नहीं, ई पहले आता है वाई से अल्फाबेटिकल क्रम में, इसलिए हमने इन को पहले लिखा, आइन को बाद में लिखा। हमेशा अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करना है। अगर द्विबंध और त्रिबंध दोनों लिखे तो इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में, पहली बात। दूसरी बात, आईयूपीएससी क्या बोलती है, जब भी दो स्वर, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जब भी दो स्वर आते हो या स्वर की आवाज भी आती हो लगातार, एक के जस्ट बाद दोबारा स्वर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहां पे ई आ रहा है, ठीक है ना, इन, ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, एक शब्द खत्म होने के बाद दूसरे शब्द में, उसके खत्म होने के वाला शब्द और उसका शुरू होने वाला शब्द दोनों स्वर हो या स्वर की आवाज भी रखते हो तो अगला पहले वाला स्वर हटा देंगे, तो ये वाला स्वर हटा देंगे। सर वाई तो स्वर ही नहीं है, ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन वाई में बोलते वक्त आई का आवाज आ रहा है, इन आइन आइन आई आई का आवाज आ रहा है, तो आई क्या है, स्वर है, इसलिए वाई को हम स्वर की तरह ट्रीट करके ई को हटा देंगे, तो यहां पे टोटल बेटा नाम क्या आ जाएगा आपका, इन आइन, बात समझ में, तो ये लिखेंगे इन आइन। अब देखो अगर आप हिंदी फॉलो करते तो हिंदी में तो ई बाद में आता है और आइन का आ पहले आता है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हिंदी नहीं करनी, इंग्लिश में नाम लिखना है, उसको फिर हम बाद में हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करना है, बात समझ में आती है। ये आपका वन डिग्री सफिक्स है और टू डिग्री सफिक्स बेटा जब मैं आपको क्रियात्मक समूह वाले एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं वहीं के वहीं डील करूंगा, क्योंकि टू डिग्री सफिक्स हर क्रियात्मक समूह के लिए बदलते चले जाते हैं, बात समझ में। तो यहां तक हमने ये सीख लिया कि टू डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वन डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, हमने वर्ड रूट क्या होता है, वन डिग्री सफिक्स क्या होता है और टू डिग्री सफिक्स हमें बाद में इस्तेमाल करना है, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें एक रूल पता चल गया कि आईयूपीएससी ने पांच भागों में बांटा और उस नाम को उसी तरह से लिखना है, सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर वन डिग्री सफिक्स, फिर टू डिग्री सफिक्स, इसी तरीके से हमें नाम को लिखना है, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन लिखना कैसे है ये भी पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्या नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, हर एक क्रियात्मक समूह के लिए या हर एक यौगिक के लिए, हर एक ब्रांच के लिए, हर एक सजातीय श्रेणी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, नियम कायदे। लेकिन जो मैं आपको अभी आईयूपीएससी नामकरण सिखाऊंगा एल्केन का, जो एल्केन के नामकरण में मैं आपको नियम बताऊंगा, लगभग लगभग सभी में वही नियम चलेंगे, एकाध नियम में बदलाव आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आएगा बस, हल्का फुल्का सा, ठीक है, और आपका काम चलता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है बेटा, एल्केन का आईयूपीएससी नामकरण, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आती चली जाएगी। आईयूपीएससी नामकरण जो एल्केन का, उसमें छह नियम है और छह नियम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, लल्लू है बिल्कुल, दसवीं कक्षा वाला ही खेल चल रहा है, ऐसा नहीं हो कि कुछ नई चीज तुम बिल्कुल दसवीं कक्षा में, तो सर हमने ये पढ़ा था, आप तो रॉकेट साइंस पढ़ाने लग गया, रॉकेट वॉकेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल चीजें चल रही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन का आईयूपीएससी नामकरण, सब मिटा देते हैं, ये सब पोज करके लिख लिया करो भैया, इतना समय नहीं है कि आपको मैं 10-10 मिनट रुका रहूं लिखने के लिए, ये खासियत है वीडियो की कि आप इसमें पोज भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा हम लोग एल्केन का आईयूपीएससी
नामकरण। एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें 6 नियम इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला नियम, जिसको हम इंग्लिश में रूल बोलते हैं, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। सबसे पहला नियम क्या है बेटा, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को चयन करना होगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन होगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला वह होगी जिसमें अधिकतम संख्या में कार्बन आते हों, ठीक है। हमें लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है। और लंबी कार्बन श्रृंखला और मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी जिसमें अधिकतम संख्या में कार्बन आते हों। जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने लाइन खींचना चालू करा तो आपका आपका जैसे मैं चौक यूज़ कर रहा हूँ तो चौक उठनी नहीं चाहिए, इस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। चलो सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन यह हमारा पहला नियम है। यह वह होगी जिसमें अधिकतम कार्बनों की संख्या होगी। और इसी में एक लाइन और ऐड कर लेना बेटा, जरूरी नहीं है ये हमेशा सीधी हो, ठीक है। मात्राओं में गलती मिल सकती है, ठीक है। हिंदी का टेस्ट नहीं चल रहा, केमिस्ट्री चल रही है। एग्जाम्पल से समझते बेटा, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये लंबी सी कार्बन की चेन बना दी, ठीक है। ये मैंने एक यौगिक लिख दिया, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कार्बन गिनना चालू करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे तीन कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। लेकिन अधिकतम कार्बन की संख्या बेटा किसमें है, अधिकतम कार्बन की संख्या है हमारी इस वाली श्रेणी में। बात समझ में, इसमें अधिकतम कार्बन आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप गिन के देख लेना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी बोल लो, लंबी कार्बन श्रृंखला भी बोल लो। तो सर ये जो बचा हुआ आइटम है ये क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि ये है हमारा प्रतिस्थापी। क्या है ये है हमारा प्रतिस्थापी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या इसको लोकेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूएंट या इसको लोकेंट भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। दोनों इसी के नाम है, सब्स्टिट्यूएंट भी बोल लो, लोकेंट भी बोल लो। तो इस पूरी यौगिक के लिए कितने प्रतिस्थापी मौजूद है, एक प्रतिस्थापी मौजूद है और एक मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसमें 8 कार्बन की संख्या आ रही है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ बोलेंगे सर हम तो सीधी चुनेंगे, 7 की आ रही है, हमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलानी। भैया हमें कार्बन की संख्या अधिकतम चाहिए हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला में, हमें सीधी विधि से लेना देना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास कौन सी मुख्य कार्बन श्रृंखला जाएगी जिसमें कार्बन की संख्या 9 आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई क्योंकि अधिकतम कार्बन की संख्या इसमें आ रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, पीसीसी, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, पेरेंट कार्बन चेन या लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो भैया अब ये दो आइटम क्या है सर, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों
प्रतिस्थापी हैं। सर एक से अधिक प्रतिस्थापी भी हो सकते हैं क्या? अरे कितने भी प्रतिस्थापी हो सकते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई शाखाएं क्या कहलाती है? प्रतिस्थापी। और इन प्रतिस्थापियों के नामकरण के लिए क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में? ये कहाँ लगे हुए हैं उसकी स्थिति भी वही बताएगा और उसका नाम भी यही बताएगा। अभी एक एक करके सारे नियम समझेंगे अपन। अभी तो पहला नियम समझा हमने, इसमें हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना सीखे हैं, लंबी कार्बन चुनना सीखे हैं जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम देसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आया है ना। किताबी भाषा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। जो मैंने समझा है, जैसा मैंने समझा है, जैसा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ, है ना, वैसा का वैसा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहला नंबर का नियम था। रूल नंबर 2 की चर्चा करते हैं बेटा। रूल नंबर 2, दूसरा नियम। मान लो सर आपने कह दी कि ये जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो कार्बन श्रृंखला ऐसी आ जाए जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या जो है बराबर आ जाए, तो उस केस में किसको चुनेंगे? बिल्कुल सही है आपका कहना, ठीक है। मान लो 2 क्या 3 आ जाए, 3 क्या 4 आ जाए, हमें क्या पता। 2 या 2 से अधिक ऐसी कार्बन श्रृंखला आ जाए जिसमें कार्बन की संख्या बराबर आ रही हो, तो उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला उसको मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो बेटा? अधिक हो। क्या हो बेटा? अधिक हो। किसकी संख्या? प्रतिस्थापी की संख्या। 2 या 2 से अधिक पीसीसी आने पर वह पीसीसी होगी जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी, जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। पहले उदाहरण समझते हैं, फिर आपको अभी एक और डाउट आ रहा होगा वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो उदाहरण क्या है बेटा, इधर देखो आप। ठीक है, अब यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की अपने को श्रृंखला देखने को मिल रही है। एक तो मैं डॉटेड डॉटेड से बना रहा हूँ, डॉट वाली लाइन, आपके दिमाग में ये भी 7 वाली आ रही होगी, ठीक है, दिख रही होगी आपको ये। दूसरी हमें क्या दिख रही है बेटा? दूसरी हमें दिख रही है ये वाली, ये भी 7 की आ रही है ना। ये सीधी वाली भी 7 की आ रही है और ये टेढ़ी वाली भी 7 की आ रही है। आप सोचो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। अगर मैं सीधी वाली को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानता हूं तो उसके लिए प्रतिस्थापी कौन सा बेटा? ये पूरा एक प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, मतलब सीधी वाली में केवल एक प्रतिस्थापी है। और अगर मैं ये टेढ़ी वाली चुनता हूं तो इसके लिए ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है। तो बताओ टेढ़ी वाली चुनने में फायदा है कि नहीं है? टेढ़ी वाली में बेटा 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, सीधी वाली में केवल एक प्रतिस्थापी आ रहा है, इसलिए हम किसको मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे? डॉटेड वाली को नहीं मानेंगे, जो मैंने पूरी खींची है रेखा उस वाली को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक में अगर आपको ऐसा लफड़ा पड़ जाता है तो आप क्या देख लोगे? प्रतिस्थापी की संख्या किसमें अधिक आ रही है। बात समझ में? अब कुछ को डाउट आ रहा होगा, सर मान लो प्रतिस्थापी की संख्या भी बराबर आ गई, तो भैया इतना आपके कोर्स में है नहीं, है ना, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, उतना आते ही नहीं है, तो क्यों मतलब है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए तो उसमें फिर हमें प्रतिस्थापी के अंदर जाके देखना पड़ता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी में भी अधिक ब्रांचेज आ रही हों, प्रतिस्थापी अंदर भी अगर शाखाएं ज्यादा आ रही हो तो उस वाली को चुनते हैं। लेकिन अपने को उतना पढ़ना ही नहीं है तो अपने को उतना जाना भी नहीं है, ठीक है ना। ये 2 नियम है, 2 नियम आपने लिख लिए होंगे, पोज करके लिख लो आप इन 2 नियमों को, या 2 नियम को लिखो आप पहले फटाफट। हाँ भाई, तो रूल नंबर 3 लिखते बेटा। रूल नंबर 3 क्या है? 2 रूल तो हमने पढ़ लिए, 2 नियम हमने पढ़ लिए कि भैया मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चुनते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक सेम मुख्य कार्बन श्रृंखला आ जाए बराबर संख्या की, तो उस केस में कैसे चुनते हैं, ठीक है। नियम नंबर 3 देखो आप। अब हम लोगों ने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना सीख लिया बेटा, अब हमको सीखना है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन कैसे करें। तो उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करने के लिए हमारे पास एक नियम है, वो नियम क्या है? न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम।
इंग्लिश में इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, है ना, अपन हिंदी में इसको न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम बोल रहे हैं। और बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम ही लगाना है, न्यूनतम धन नियम नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग न्यूनतम धन नियम पढ़ा देते हैं लेकिन उसमें इतनी एरर है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम से आप कभी भी गलत नहीं होगे। अब ये है क्या सर, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम क्या बोलता है बेटा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार करो कि जो प्रतिस्थापी है आपका, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन आप इस प्रकार करो कि जो आपका प्रतिस्थापी है उसको न्यूनतम अंक मिले। प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। जैसे पहले उदाहरण समझते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये चार कार्बन लगा दिए और एक यहाँ पे कार्बन लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपने जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे वो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी ये। अब इसका अंकन मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना आप, इसका अंकन कैसे कर सकता हूँ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, इस तरह से मैंने अंक दे दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका देखो, एक नंबर, दो नंबर, सॉरी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, इधर से भी अंक कर सकता था, ठीक है। तो आप मुझे ये देख के बताओ कि जो हमारा प्रतिस्थापी है उसको न्यूनतम अंक कैसे मिल रहा है, दो से या तीन से। दो से, और ऊपर वाली अंक जो हमने ऊपर वाला अंकन किया है वो कैसा है, सही है, जो नीचे वाला अंकन किया है वो गलत है। हम इसकी दो प्रकार से अंकन कर सकते थे, तो हमने कौन सा अंकन किया, ऊपर वाला, क्यों, हमने पढ़ा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो हमारा प्रतिस्थापी है उसका अंकन कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, इसलिए ऊपर वाली अंकन सही है, नीचे वाली गलत है। अब तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो सर, कैसे, देखो ऊपर वाला अंकन सही है, बताओ ये जो प्रतिस्थापी लिखा हुआ है कार्बन, यानी कि ये CH3 लिखा हुआ है, और CH3 यानी कि एल्किल है, एल्किल यानी कि एक कार्बन वाला एल्किल, तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताया था मैंने, मेथिल। तो दो नंबर पे मेथिल लगा है तो हमें क्या करना है, दो लिखना है, और दो नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, मेथिल। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर बाद में। जब भी आप एक अल्फाबेट लिख रहे हो और एक नंबर लिख रहे हो तो उसके बीच में योजक का चिन्ह लगाना है। जब भी आप एक अल्फाबेट लिख रहे हो और एक नंबर लिख रहे हो तो उसके बीच में क्या लगाना है बेटा, योजक का चिन्ह। दो नंबर लिख रहे हो तो उनके बीच में क्या लगाना है, कॉमा, ठीक है। दो नंबरों के बीच में कॉमा लगेगा IUPAC नामकरण में, और एक अल्फाबेट और एक नंबर के बीच में योजक का चिन्ह। तो दो पर क्या लिखा है, मिथाइल। सबसे पहले क्या लिखते थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्रतिस्थापी की स्थिति और उसका नाम। प्रतिस्थापी दो पे लगा हुआ है और उसकी नाम क्या है, मिथाइल। उसके बाद क्या लिखते थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। बताओ ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है ये खुली श्रृंखला है या चक्रीय है, खुली श्रृंखला है, और खुली श्रृंखला के लिए बताओ 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है या नहीं होता, नहीं होता, तो क्या हम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, रूढ़ शब्द। बताओ मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए क्या लिखते थे बेटा, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई असंतृप्त आ रही है, द्विबंध त्रिबंध आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो संतृप्त के लिए क्या लिखते थे, एन, तो नाम क्या लिख देंगे, एन, ठीक है ना, 2-methyl butane। यहां से 2-methyl क्या है आपका, 2-methyl है आपका 2-degree प्रीफिक्स, ब्यूट क्या है बेटा आपका, वर्ड रूट, और एन क्या है आपका, 1-degree सफिक्स। मैंने बोला था कुछ चीजें आ भी सकती है, कुछ चीजें नहीं भी आ सकती। अब आप इसको जब हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 2, तो 2 की तरह लिखेगा, मेथिल ब्यूट एन, हिंदी को हिंदी में लिख दो कन्वर्ट करके, क्या लिखोगे, 2-methyl butane। ऐसा नहीं है कि मेरे को हिंदी में नहीं आता, भयंकर आती है, आप सोच भी नहीं सकते उससे अधिक हिंदी आती है, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है, 2-methyl butane हमने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का चक्कर है बेटा, गलतियां होने के चांसेस, इसलिए इंग्लिश में लिखेंगे, उसको बाद में हिंदी में हम लोग टिक कर देंगे जो भी ऑप्शन आएगा, 2-methyl butane। बात समझ में आ रही है। तो हमारा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम क्या है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार से किया जाए जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक या संख्या मिले। यह हमारा न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम है, इतनी सी बात है।
भाई हमारे पास दो दो ऑप्शन थे अंकन करने के, हमने कौन सा अंकन चुना जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा हो। सिंपल सी बात है, ये तो बेटा एक प्रतिस्थापी था। मान लो दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी यौगिक में लगे हों, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी लगे हों, तो उस केस में हम लोग कैसे अंकन करेंगे? इसी नियम से, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम से ही हम उसका अंकन करेंगे। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे उसका, तो हम नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम का उपयोग करेंगे। आओ रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 4 देखते हैं। बेटा रूल नंबर 4 में क्या है? अगला नियम जो है हमारा, अगला नियम देखो आप, रूल नंबर 4 यानी कि नियम नंबर 4, यदि पीसीसी में दो या दो से अधिक भिन्न प्रतिस्थापी, मतलब अलग अलग है ना, भिन्न प्रतिस्थापी लगे हों, तो अंकन न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम से करना है, किंतु नाम लिखते वक्त, मतलब आपने अंकन वंकन सब कर लिया, सब कुछ करके बैठे हो, लेकिन अब नाम लिखने पे आ गए, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम लगाना है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ये पूरी लाइन क्या कहना चाह रही है उसका मतलब समझते हैं, फिर लाइन आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। उदाहरण देखो आप, ये मैंने एक उदाहरण लिखा बेटा। अब इसमें अपन को मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, जैसे भी चुनना चाहो, सब में 5 ही आ रही, ठीक है। हमें 5 वाली वो चुननी है जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक अपने प्रतिस्थापी लगे हों। तो बताओ मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी आ जाएगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ये वाली आ जाएगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब मुद्दा आता है बेटा अंकन करने का। मेरे पास दो स्टाइल है अंकन करने की, या तो मैं इधर से इधर चलूं या मैं इधर से इधर चलूं। मान लो मैंने अंकन इस तरह से किया, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है वो बोल रहा है कि नहीं सर इधर से करो, उसने इधर से किया, तो भैया दूसरा बच्चा तो रोंग है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमें अंकन किस प्रकार करना है, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार करना है। न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार अगर मैंने ऊपर वाले तरीके से अंकन किया होता, तो प्रतिस्थापी को 2 और 3 मिलता। देखो आप, ये जो हमारा प्रतिस्थापी है ये वाला, और ये जो प्रतिस्थापी लिखा है इसको 2 और 3 मिलता। और अगर नीचे वाले स्टाइल में क्या होता, तो हमें मिलता 3 और 4। मुझे बताओ न्यूनतम कौन सा है, 2 और 3 या 3 और 4? 2 और 3 न्यूनतम है, 3 और 4 न्यूनतम नहीं है, ठीक है। यहां तक अंकन वंकन सब हो गया हमारा, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लिया हमने, अंकन कर लिया हमने न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार। अब मुद्दा क्या है, अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है बेटा, इसमें दो भिन्न प्रतिस्थापी लगे हुए, एक लगा है मेथिल और एक लगा है एथिल। अब एक मेथिल लगा है और एक एथिल लगा है, तो नाम लिखते वक्त बेटा आपको अल्फाबेटिकल क्रम का उपयोग करना है। एम और ई में कौन पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट और एन संतृप्त है, इसलिए एन 5 कार्बन का, इसलिए पेंट। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि यौगिक कैसा है, खुली श्रृंखला। बात आई इथाइल और मेथिल में, तो ई पहले आता है एम से सर। लेकिन 3 और 2 में, भैया हमें 3 2 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रतिस्थापी का जो नाम है उसमें जो अल्फाबेटिकल क्रम का हिसाब से हमें उन प्रतिस्थापी को लिखना है, हमें 3 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ई और एम में कौन पहले आता है बेटा? ई, एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, है ना। भले ये 10 पे लगाओ, ये
पांच पे लगाओ, हमें तो 10 वाले को पहले लिखना है क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन को हिंदी में लिख लो तो इसका नाम वैसा आ जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण मैंने कराया पहले नंबर का, मैं आपको दूसरा और तीसरे नंबर का उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, आप खुद ट्राई करोगे एक बार, फिर उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। इधर लिख रहा हूँ मैं दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल। हाँ, तो आप अभी ट्राई करो इन दोनों एग्जाम्पल को। जैसे आप ये दोनों एग्जाम्पल ट्राई करोगे, आपको अपनी आंखों पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया यार ये सही कह रहा है, दोनों का नाम अगर हम अल्फाबेटिकल क्रम इस्तेमाल नहीं करते तो सेम ही आ जाता। ठीक है ना, करके देखो एक बार, ट्राई करो। तो भैया कर लिए होंगे आपने ये मुख्य कार्बन श्रृंखला, आप लोगों ने ये वाली चुनी होगी, इसमें फिर आपने अंकन करना चालू किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि यार अंक किधर से करना है जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या मिले। तो यहाँ पे 2 और 3 मिल रही है, इधर से करोगे तो 3 और 4 मिलेगी। तो आप लोगों ने ये किया होगा। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि नाम कैसे लिखे। इसका नाम फ्लोरो है, इसका नाम क्लोरो है, और एफ और सी में पहले कौन आता है? सी पहले आता है बेटा। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 फ्लोरो। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट और पूरी संतृप्त है इसलिए एन। समझ गए? 3 क्लोरो 2 फ्लोरो। लेकिन सर 3 को पहले लिख दिया। भैया बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, अल्फाबेटिकल क्रम को इस्तेमाल करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने ये चुनी होगी, अंकन इधर से क्या होगा? 1 2 3 4 5। नाम कैसे लिखोगे बताओ? क्लोरो फ्लोरो में से पहले कौन आता है? क्लोरो। नाम लिखा होगा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन, ये नाम लिखा होगा। अब देखो, अगर मान लो आप मेरी बातें नहीं मानते, ठीक है, अंकन वाली बातें नहीं मानते, या फिर न्यूनतम प्रतिस्थापी वाली बात नहीं मानते, या फिर अल्फाबेटिकली लिखने वाली बात नहीं मानते, तो दोनों का सेम नाम आता। अभी यहाँ पे देखो आप, 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन, और यहाँ आया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन, यानी कि अंकन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो? न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम, ये जो अंकन कर रहे हैं हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का, वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं, इसलिए इन दोनों का नाम भी अलग अलग आ रहा है। नहीं तो दोनों का नाम सेम लिख देते तो बार बार इस नाम से हम इसी यौगिक को बना पाते। बात समझ में आ रही है? तो हमने कितने नियम पढ़ लिए बेटा? 4 नियम पढ़ लिए। पांचवा नियम देखते हैं हम लोग कि पांचवा नियम क्या है। ये क्लास खत्म हो जाए, पूरे के पूरे 6 नियम अपने को पढ़ने हैं आज की तारीख में। ठीक है ना, आज की क्लास में पूरे के पूरे 6 नियम पढ़ेंगे पहले, और फिर अगली क्लास में अपन ये सारे इसके उदाहरण करेंगे खूब सारे एलकेएन के आईयूपीएसी के। ठीक है ना, तो आज पूरे नियम एकदम याद होने चाहिए अगली क्लास में आने से पहले। रूल नंबर 5। अब देखो, अभी मैंने बोला 2 या 2 से अधिक भिन्न यो प्रतिस्थापी लगे हों तो हमें कौन सा नियम यूज करना है? नियम नंबर 4, मतलब वही न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है, और अंकन करते वक्त हमें न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है, और फिर क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल क्रम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन मान लो कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी लगे हों, ठीक है, एक जैसे प्रतिस्थापी, 2 मिथाइल आ जाए प्रतिस्थापी, 2 इथाइल आ जाए, 3 इथाइल आ जाए, अधिक समान प्रतिस्थापी लगे हों, पीसीसी पर लगे हों, तो डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि का उपयोग करें और ये डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि अल्फाबेटिकल क्रम में मान्य नहीं है। ठीक है, मान लो 2 या 2 से अधिक आपके समान प्रतिस्थापी लगे हों, तो उस केस में अगर 2 लगे हों तो डाई, 3 लगे हों तो ट्राई, 4 लगे हों तो टेट्रा का इस्तेमाल करो। लेकिन ये जो डाई ट्राई टेट्रा है बेटा, ये डाई ट्राई टेट्रा जो है आपके, वो अल्फाबेटिकल क्रम में काउंट नहीं होंगे। और ये कहाँ लगाने?
पूर्व लगने से पहले, ठीक है ना, जैसे दो मिथाइल है तो मिथाइल से पहले डाई लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मैंने ये आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली, ठीक है, और आपको इसमें अंकन करना है 1 2 3 4, इस तरह से अंकन कर दिया। तो नाम लिखूंगा तो नाम कैसे लिखूंगा कि यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल लगा है, 3 पे भी मिथाइल लगा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखूंगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखूंगा, दोनों को क्लब कर दूंगा, 2, 3, 2 और 3 दोनों पर, ठीक है, क्या लगा हुआ है, डाई मेथिल, दोनों मेथिल समूह लगे हुए हैं, 2 पे भी और 3 पे भी, 2, 3 डाई मेथिल, कितने कार्बन है, 4 ब्यूट, और एन सिंपल है, 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 पे भी मेथिल 3 पे भी मेथिल, तो दोनों के अंकन को लिख दिया, 2 पे लगा 3 पे लगा डाई मेथिल, मतलब ये दो मेथिल जो है वो कहाँ कहाँ लगे हैं, एक 2 पे लगा 1 3 पे लगा, 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, सिंपल है कि नहीं है। नाम लिखा, पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी, अंकन किया, अंकन करते वक्त देखा कि दो समान हमारे प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो डाई लगा दिया उसके आगे, ठीक है, सिंपल है। आओ कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे और फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है, ये, फिर तीसरा एग्जाम्पल आपको करना है ये दो एग्जाम्पल आप ट्राई करो पोज करके, है ना, पोज कर लो, कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला आप लोगों ने ये वाली चुनी होगी, चाहे तो टेढ़ी वाली चुन लो, दोनों के एक जैसी है, ठीक है। अब इसमें अंकन करोगे तो इस साइड से अंकन क्या होगा, 1 2 3 4 5, जिन बच्चों ने इधर से किया है वो अपने आपके चाटा मार ले, ठीक है ना। अब आपको बता दिया कि इस साइड से करना है, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगेगा, सिंपल सी बात है। अब 2 पे मिथाइल और मिथाइल, 2 2 मिथाइल लगे हैं और 3 पे इथाइल लगा है, कुछ बच्चों ने, डीड बच्चों ने क्या क्या होगा, 2, 2 डाई मिथाइल और 3 इथाइल और पेंट और एन, ये लिखा होगा। उन्होंने क्या सोचा होगा कि सर डी और ई में तो डी पहले आता है, जबकि अभी बताया कि डाइट्राई टेट्रा का जो डी होता है वो अल्फाबेटिकल क्रम में मान्य नहीं होता है, सीधे एम मान्य होगा, तो ये कैसा है बेटा, ये नाम गलत है। तो इसका असली नाम क्या होगा, इसका असली नाम होगा बेटा 3 एथिल, बताओ मेथिल कहाँ लगे हैं, 2 और 2 पे लगे हैं, तो 2, 2 डाई मेथिल, और कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, यानी कि पेंट और पीछे एन लगा देंगे, ठीक है, ये आपका नाम सही है, क्योंकि डाई काउंट नहीं होगा, सीधे इसका एम काउंट होगा, बात समझ में आ रही है। फिर अगला सवाल आप लोगों ने क्या होगा, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने ये वाली चुनी होगी, अंकन आपने 1 2 3 4 ये किया होगा, कुछ बच्चों ने मेरे जैसा आंसर लिखा होगा, देखो 2, 2 डाई मेथिल, 3, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये लिखा है आप लोगों ने, जिसने ये लिखा है वो फिर से एक बार झाबड़ मार ले अपने, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जब आपको बोल दिया भैया कि सारे क्लब करके लिख सकते हो तो लिखो ना, 2, 2, 3, 3, 4 मेथिल है बेटा, डाई का ठेका थोड़ा ले रखा है, टेट्रा मेथिल ब्यूटेन, मैं आपको गलती बता रहा हूँ, बच्चा गलती कहाँ करता है, आपको गलती नहीं करनी है, 2, 2, 3, 3, 2 पे 2 पे 3 पे 3 पे 4 मेथिल लगे हैं, टेट्रा मेथिल ब्यूटेन, सिंपल है। तो ये एग्जाम्पल था आपका रूल नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है बेटा, अब हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना सीख लिया, हमने अंकन करना सीख लिया, भिन्न क्रियात्मक समूह में भी, सॉरी भिन्न प्रतिस्थापी में भी हमने अंकन करना सीख लिया, समान प्रतिस्थापी में भी हमने अंकन करना सीख लिया, नाम लिखना सीख लिया। अब मुद्दा क्या है, अगला नियम क्या है, अगला नियम यह है कि मान लो दोनों तरफ से अंकन करने पर, पहले उदाहरण देते हैं रूल नंबर 6, यहाँ पे मिटा के रूल नंबर 6 पहले एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमिन, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरिन, सब बच्चों ने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये चुन ली होगी कि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब मुद्दा क्या आता है, मुद्दा ये आता है कि सर अंकन करना है, तो सब बच्चों ने अंकन ऐसे कर लिया होगा 1 2 3 4, कुछ बच्चों ने 1 2 3 4, ऐसे केस में जब भिन्न प्रतिस्थापी लगे हों और दोनों तरफ से अंकन करने पर समान अंकन प्राप्त करते हों, देखो चाहे इधर से अंकन किया चाहे इधर से अंकन किया, क्या मिला 2, 3,
दोनों तरफ से अंकन करने पर दो और तीन ही मिल रहा है प्रतिस्थापी को। तो अगर भिन्न प्रतिस्थापी लगे हों और दोनों तरफ से अंकन करने पर समान अंकन मिलता हो तो उस केस में अंकन किस तरह से करना है, अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार करना है। प्रतिस्थापी में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है अंकन उस साइड से होगा। जैसे यहाँ ब्रोमो पहले आ रहा है या क्लोरो पहले आ रहा है, ब्रोमो, तो भैया ऊपर वाला अंकन सही है, नीचे वाला अंकन गलत है, क्योंकि हम फंस चुके हैं। हमारे पास अब न्यूनतम धन नियम, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम कुछ भी नहीं लग रहा। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे बेटा, ऐसे केस में हम लगाएंगे अल्फाबेटिकल वाला नियम लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापी में जिसका अल्फाबेटिकल ही नाम पहले आ रहा है उस तरफ से अंकन करना पसंद करेंगे। तो अब तो नाम सिंपल है, नाम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो, थ्री पे क्या लगा है क्लोरो, और चार कार्बन है तो ब्यूट और एन। अब इसको हिंदी में बदल लो, दो ब्रोमो तीन क्लोरो ब्यूटेन, हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, रूल नंबर छह, यदि दो या दो से अधिक भिन्न प्रतिस्थापी दोनों तरफ से अंकन करने पर समान अंकन प्राप्त करते हों तो अंकन अल्फाबेटिकल ली जो पहले आता हो उस तरफ से करें। सिंपल है ना, अपनी भाषा है एकदम। दो या दो से अधिक भिन्न प्रतिस्थापी आ रहे हो तो अंकन के दोनों तरफ का सेम आ रहा हो तो किधर से करेंगे, जिधर से हमारा अल्फाबेटिकली जीत रहे हो। तो नाम लिख दिया टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन। ये छह नियम है, छह नियम बहुत सिंपल है। पहला नियम हमने क्या पढ़ा बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ना जरूरी नहीं है, वो सीधी हो। दूसरा नियम, अगर दो कार्बन श्रृंखलाएं जो पीसीसी है सेम आ जाए, कार्बन की संख्या सेम आ जाए तो वो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होंगे। तीसरा नियम हमने क्या देखा था बेटा, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम। अंकन करते वक्त मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या मिले, उस तरफ से अंकन करना है। चौथा नियम क्या था, दो या दो से अधिक भिन्न प्रतिस्थापी लगे हों, ठीक है, तो अंकन कैसे करना है, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार करना है, लेकिन लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम इस्तेमाल करना है। पांचवा नियम, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी लगे हों तो डाइट्राई टेट्रा इत्यादि का उपयोग करें और उसको काउंट ना करें अल्फाबेटिकली में। और अगर मान लो दोनों तरफ से अल्फाबेट दोनों तरफ से अंकन करते वक्त अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला को समान अंकन मिल रहे हैं, मतलब प्रतिस्थापी को, ठीक है, तो उस केस में हम किधर से करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकली जीत मिल रही हो, ठीक है ना। तो ये आज हमने पढ़ा IUPAC एल्केन का। अब इसके खूब सारे एग्जांपल हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले इस छः नियमों को एकदम घोट लें, मैंने हर एक नियम में उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण को समझे, कहीं दिक्कत आए तो पूछें कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। और अगली क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। फिर अगली क्लास में एल्केन ख़त्म करने के बाद हम चक्रीय एल्केन पढ़ेंगे, चक्रीय एल्केन ख़त्म करने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स लोकेंट सीखेंगे, जटिल प्रतिस्थापी एक चीज़ होती है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एल्कीन एल्काइन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से फिर एक विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग NCERT पढ़ें। अभी भी मैंने जो आपको छः नियम पढ़ाए हैं आप NCERT में जाके देखें उसको, NCERT में जाके कुछ एग्जाम्पल्स दिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, मतलब जो उदाहरण वाले एग्जाम्पल होते हैं ना अंदर की तरफ जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो वाले करें, ठीक है। और पीछे से भी अगर कोई एग्जाम्पल मिल रहा है आपको, और जितने भी चैप्टर के मिल रहे हो जहाँ पे भी एल्केन दिख जाए उसका नाम लिखना चालू करें, ठीक है। तो धन्यवाद।